दलित छात्रों को जीरो फीस पर एडमिशन किए जाने की मांग को लेकर अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। अंबेडकर जन मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है और मांग पूरी नहीं होती है तो अंबेडकर जन मोर्चा बृहद आंदोलन करने को बाध्य होगा। भुगतान करो, छात्रों के फीस का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, भुगतान करो, छुट्टी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, नियमों का पालन करो, पालन करो, पालन करो, अमर रहे, अमर रहे, कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। महोदय, हम लोग आज पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित, माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित। जो आज हम लोग ज्ञापन आपके माध्यम से भेज रहे हैं, आज हमारी ये मांग है, जो मुख्य विषय है एससी एसटी समाज के छात्रों को जीरो फीस पर एडमिशन दिए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम इसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में हम आपको दे रहे हैं महोदय, अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा यह मांग किया जाता है कि सभी विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज तथा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जीरो फीस में प्रवेश एडमिशन दिया जाए। सभी शैक्षणिक संस्थानों को सभी विषयों में एससी एसटी छात्रों को जीरो फीस में प्रवेश देने का आदेश जारी करें तथा छात्रवृत्ति का भुगतान भी समय से करें। अम्बेडकर जन मोर्चा की उक्त मांगों को सरकार ने यदि माना नहीं तो लाखों दलित पिछड़े छात्रों के साथ आंदोलन के लिए हम भविष्य में बाध्य होंगे। ये ज्ञापन सर हम आपको दो जी एक विशेष निवेदन है सर, हमने सेम कॉपी चारों चार कॉपी में सबको दिया है, तो सबको कॉपी दे दिया है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, निवेदन है राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करने के हम लोग की तरफ से कि इस फीस को भुगतान किया जाए। बहुत धन्यवाद।